एक्चुअली जो हमारा एक ये दूता दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन है उसमें भी एक बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें। जो एक सबसे पहला जो मुद्दा है 200 रोस्टर है। हमने 1956 में जब रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस जो मतलब प्रोविजन किया है यूजीसी ने प्रोविजन किया था उसको 2013 में उसको वो भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, कुछ उसमें इम्प्लीमेंट किया था उसकी वजह से जो एससी एसटी जो बहुजन समाज का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो पाया। जब बाबा साहब का आपको पता है बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन किया था एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशन था किसी मजबूरी में, गांधी के मजबूरी में उसको रिजर्वेशन के तौर पर दिया गया, पर वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था तो बाबा साहब का यही था कि इस बहुजन जो वंच समाज है उसमें एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन होना चाहिए, अगर उससे होगा तो इस समाज का उत्थान होगा, इस समाज का उत्थान होगा तो इस भारतवर्ष का भी उत्थान और डेवलपमेंट होगा। अब ये सरकार, इस सरकार ने 5 मार्च को जो कि हम 2013 में इतने सालों बाद ये कॉलेज एज ए यूनिट और कॉलेज एज ए यूनिट एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से यूनिट रिजर्वेशन हुआ था, जो रिजर्वेशन हुआ था उसमें हम लोगों का एस सी एस टी ओ बी सी का कुछ रिप्रेजेंटेशन हो पाया था। और जैसे ही ये सरकार आई उसने इसको अभी कोर्ट के थ्रू, मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ये जो सरकार है ये 22 सरकार है, ये एस सी एस टी ओ बी सी के अगेंस्ट है और जो ये जो रूल्स ऑर्डर लेकर आ रही है वो जुडिशरी के थ्रू लेकर आ रही है और जुडिशरी भी बायस है, वो भी बायस है। और यहाँ पर उसके थ्रू जो अभी जो कॉलेज एज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एज ए यूनिट के थ्रू जो हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ था उसको ये फिर डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन ऑर्डर के थ्रू कर दिया है। और हम जो रिप्रेजेंटेशन वो कुछ जो टीचर्स लगे हुए थे डिपार्टमेंट्स में यूनिवर्सिटी में वो बाहर निकल जाएंगे। और ये सरकार का ये कि ये जहाँ से शुरू हुए थे जो बाबा का सपना था कि ये इस समाज का नियर फ्यूचर में बहुत जब इनका डेवलपमेंट होगा और इस प्रतित्व होगा इसका और ये पूरे देश का विकास होगा, ये सरकार इसको वहीं का वहीं लाना चाहती है। अगर इसने ये ऑर्डर को वापस नहीं लिया किसी तरह से वापस नहीं लिया तो हम पूरे देश में इसके अगेंस्ट में हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और ये भी हम डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हम ये भी मांग करेंगे इसको ऑर्डिनेंस लाया जाए। अभी आपने सरकार की मानसिकता देखी होगी, सरकार ने जो एट्रोसिटी एक्ट पर कल अखबार के थ्रू हमें पता पड़ा है कि इसमें उसने मना किया है कि हम कोई इसको इस पर ऑर्डिनेंस लेके नहीं आएंगे। पहले इसका हम देखेंगे, इसका जो हमने जो एसएलपी डाली है उसका क्या नतीजा रहेगा, उसका क्या रिजल्ट रहेगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव में देन हम इसको हायर कोर्ट में जाएंगे इसके लिए। पर मतलब सरकार ये देखो, सरकार ये चाहती है कि उसका ऑर्डर देखेगी जब तक यहाँ पर इतना रिक्रूटमेंट हो जाएगा कॉलेजेस में अब हम उसको कैसे रिवर्ट बैक कर पाएंगे, जैसे कि रिवर्ट बैक कैसे कर पाएंगे। मान लिया कुछ आपने देखे कई स्टेट्स में एडवर्टाइजमेंट आ गए हैं, वहाँ पर लगभग 200 सीटों पर भी कोई एस सी एस टी का कहीं नामो निशान तक नहीं है, ओ बी सी की 2-3 सीटें आ चुकी हैं, तो हमारा तो निग्लिजिबल हो गया। हमारा तो ये सरकार चाहती है किसी तरह जहाँ से ये लोग उठकर आए थे वहीं के वहीं इसको पहुँचा दिया जाए।